बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन कथित फेमा उल्लंघन के मामले के संबंध में पनामा पेपर लीक मामले की वजह से इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में वह इस केस की जांच में शामिल होने के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दिल्ली कार्यालय पहुंची थी। इस पूछताछ के बाद अब ऐश्वर्या ने अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने माता पिता वृंदा राय और स्वर्गीय पिता कृष्ण राज राय को शादी की 52वीं सालगिरह पर बधाई दी है। ऐश्वर्या ने माता पिता की पिक्चर को शेयर किया है। फोटो में दोनों कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। फोटो के कैप्शन में ऐश्वर्या लिखती हैं, हैप्पी एनिवर्सरी मेरे प्यारे डार्लिंग मम्मी डॉडा डैडी अज्जा, लव यू और थैंक यू आपके कभी खत्म न होने वाले प्यार और आशीर्वाद के लिए हमेशा। ऐश्वर्या के पिता का निधन 2017 में हुआ था। वह अक्सर पिता कृष्णराज रॉय को याद करती हैं। नवंबर में पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी एक पुरानी फोटो उन्होंने शेयर की थी। ईडी ने फेमा के तहत मामला तब दर्ज किया था जब पनामा पेपर्स से पता चला था कि कैसे करों से बचने के लिए कंपनियों को ऑफशोर आइसलैंड में स्थापित किया गया था। मामले में ऐश्वर्या राय और अन्य को नामजद किया गया है। ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म फने खान में नजर आई थी, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ऐश्वर्या के साथ राजकुमार राव और अनिल कपूर लीड रोल में थे। अब ऐश्वर्या फिल्म पोनियन सेल्वन में नजर आने वाली है। ये इंडियन तमिल फिल्म है जिसे मणिरत्नम बना रहे हैं। INS रिपोर्ट।